दिवाली के जश्न में पूरे देश ने खुशियां मनाई। कल का दिन शानदार तरीके से मनाया गया, लेकिन बहुत कुछ छीन भी लिया। दिवाली पर पटाखे न जलाने की अपील पूरी तरह से अपना असर नहीं दिखा पाई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर आतिशबाजी हुई। उसके बाद देश भर में जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ प्रदूषण फैल गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिवाली पर कैसे देश की राजधानी कूड़ा कूड़ा नजर आई। दिवाली पर दिल्ली में घुला जहर, हवा में 16 गुना ज्यादा बढ़ा प्रदूषण, फिजा में खतरनाक सल्फर की मात्रा बढ़ी, आतिशबाजी से दिल्ली में हर तरफ प्रदूषण। सिर्फ कुछ घंटों की आतिशबाजी से दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़े खतरनाक हदों से भी आगे पहुंच गए। राजधानी में कल शाम से पटाखे जलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देर रात तक चला। उसके बाद ये मंजर सामने आया। दिवाली पर पटाखे न चलाने की अपील के बावजूद लोगों ने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की। इससे वायु प्रदूषण काफी हद तक बढ़ गया। इसके अलावा पटाखों के शोर और ध्वनि प्रदूषण और कूड़ा जमा हो गया। देखिए रात भर आतिशबाजी के बाद सुबह दिल्ली का क्या हाल हो गया। सड़कें पटाखों के कूड़े से भर गईं। हमारी टीम ने मालवीय नगर से सुबह 4:30 बजे पटाखों से फैले प्रदूषण का जायजा लिया। रोशनी के त्योहार दीपावली में दिल्ली में खूब दिए जले, लेकिन आतिशबाजी भी जमकर हुई। दिल्ली में खूब पटाखे फोड़े गए। हम दिल्ली के मालवीय नगर के एक इलाके में हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रोड पटाखों के मलबों से पटी पड़ी है। न केवल ये बल्कि आसपास के तमाम इलाके, दिल्ली के तमाम अलग अलग हिस्सों में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली की रात आतिशबाजी के बाद अलग अलग इलाकों में प्रदूषण का क्या हाल रहा। दिल्ली के आनंद विहार में रात 2 बजे ध्वनि और वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा मिला। दिल्ली वैसे से प्रदूषण में काफी बदनाम है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहले से ही काफी ज्यादा है, और ऐसे में आनंद विहार में हो रही जमकर आतिशबाजी के बाद जो इस एरिया का प्रदूषण का स्तर पहुंच गया है वो आपको दिखा दें। 999 PM यानी स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको सांस संबंधी तकलीफें हैं। साउथ दिल्ली के आरकेपुरम में भी पटाखों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ गया। यहां प्रदूषण का स्तर 550 दर्ज किया गया। पर्टिकुलेट मैटर यानी हवा में जहरीले कण काफी खतरनाक स्तर तक पहुंच गए। आपको बता दें आरकेपुरम भी दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है, और दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी के बाद यहां पर हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण का लेवल 900 पीएम से ज्यादा मिला। पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर, हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर 300 से ज्यादा होते हैं तो हवा जहरीली हो जाती है। ज्यादातर इलाके में पार्टिकुलेट मैटर 500 से ज्यादा पाया गया। आरकेपुरम में पार्टिकुलेट मैटर 550 मिला। दिवाली की रात आतिशबाजी से प्रदूषण 16 गुना ज्यादा बढ़ गया। पटाखों के बारूद से हवा में सल्फर की मात्रा काफी बढ़ गई। हवा में काला धुआं भी काफी हद तक बढ़ गया। ऑर्डर पास हुआ, उस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं कम जलाए जाएं, जितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सके उतना कर सके। जो हम मैक्सिमम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए, बट इस टाइम पे जो सिचुएशन देख रहे हैं वो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। सिर्फ कुछ घंटों की आतिशबाजी ने देश की राजधानी को वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कूड़े और जहरीली फिजा से भर दिया। पर्यावरण को साफ रखने की तमाम कोशिशें पटाखों के सामने दम तोड़ गईं। अंकित यादव के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मयूर विहार में पटाखों की वजह से इतना कूड़ा फैला कि जगह जगह जले हुए कागज और गत्तों के ढेर नजर आए। दिवाली की रात से कूड़ा कूड़ा हुई दिल्ली में सुबह क्या हालात रहे, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमिला दीक्षित ने। से नो टू क्रैकर्स या स्वच्छ भारत अभियान,
सुनने में ये स्लोगन जितने अच्छे लगते हैं, ये नारे के रूप में जितने अच्छे लगते हैं, दरअसल इनकी हकीकत उतनी अच्छी होती नहीं। और दीपावली के अगले दिन उस जो स्थिति है उससे बेहतर भलाई से कैसे समझा जा सकता है। पटाखे को मना किया गया कि पॉल्यूशन होता है, उससे शोर शराबा होता है, प्रदूषण होता है, तो पटाखे कम जलाएं, नहीं जलाएं, ये तमाम दफ़ा अपील की जाती है। लेकिन किस कदर पटाखे फोड़े गए उसकी ये तस्वीर हम आपको मयूर विहार से दिखा रहे हैं। और स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत क्या है वो भी यहाँ दिखा रहे हैं कि रात भर पटाखे फोड़े जाने के बाद सुबह जो सड़क है वो इसी तरह गंदी पड़ी हुई है। यहाँ पटाखों के बाद जो मलबा जो कूड़ा है वो चारों तरफ बिखरा पड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या झाड़ू लगी नहीं है या कोई और वक्त है या कब लगेगी? आप यहाँ पटाखे फोड़े आपने कल? मैं तो वहाँ फोड़ता हूँ, मतलब मेरी गली में, मैं तो कुछ लेने आया था। और अच्छा, पटाखे आपने फोड़े तो सुबह जब ये सारा गंदा होता है आप देख के कुछ कहते हो कि आपको लगता है इसको साफ करना चाहिए? आजकल बड़ी साफ सफाई स्वच्छता अभियान की बात हो रही है। हाँ, वैसे साफ तो करना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, जैसे स्मॉग फैलता है और लोगों को एलर्जी होती है, तो साफ करना चाहिए। पता सबको है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, पटाखे कम फोड़ने चाहिए, लेकिन होता क्या है वो मयूर विहार की इन सड़कों पर वो सच्चाई बिखरी पड़ी है। कैमरा पर्सन हरजिंदर के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। दिल्ली का सबसे वीवीआईपी इलाका भी दिवाली पर फैले प्रदूषण से अछूता न रह सका। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और राजपथ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और पर्यावरण एक्सपर्ट इस बात के आंकड़े जुटा रहे हैं कि दिल्ली की फिजा को दिवाली पर जला गए पटाखों से कितना नुकसान पहुंचा है। प्रदूषण की इससे बड़ी मिसाल भला क्या होगी कि दिल्ली आजकल सर्दियों में फॉग नहीं स्मॉग झेलती है। राजपथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और राजपथ में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच जो चंद किलोमीटर का जो फासला है, जो दायरा है, वहाँ पर प्रदूषण की सबसे बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही है कि राष्ट्रपति भवन आपको अपनी आंखों से नज़र नहीं आएगा जबकि चंद किलोमीटर दूर ही है। इसको पूरी तरह स्मॉग ने अपने कब्जे में ले रखा है और जिस तरह का अंदेशा था कि दीपावली के पटाखों के बाद दिल्ली पर प्रदूषण का खतरा और मंडराएगा, वही दिल्ली पॉल्यूशन कमेटी कंट्रोल कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी बताती है। हालांकि अभी विश्लेषण चल रहा है, जो सैंपल्स लिए गए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट जो ऑनलाइन आई है उसके हिसाब से आरकेपुरम का जो इलाका है, आनंद विहार का जो इलाका है, पंजाबी बाग है, इसके साथ ही मंदिर मार्ग, इन तमाम जगहों पर जो प्रदूषण का लेवल है वो तय मानकों से कहीं ज़्यादा ऊपर उठा है। इंडिया गेट के आसपास हम हैं, यहाँ चूँकि हरे भरे पेड़ हैं, पौधे लगे हैं, इस वजह से यहाँ तस्वीरें भी साफ नज़र आ रही है। वरना सुबह के वक्त आप जब दिल्ली को देखेंगे तो पूरी तरह से धुंध में होती है और उस धुंध में प्रदूषण का हिस्सा कहीं ज़्यादा होता है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने जो आंकड़े अभी पेश किए हैं सामने, उसके हिसाब से आनंद विहार, पंजाबी बाग, आरकेपुरम, मंदिर मार्ग, इन तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ा है। और इसके साथ ही जो सल्फर ऑक्साइड है वो मिला है क्योंकि पटाखे छोड़ जाते हैं, उसका असर उसमें देखने को मिला है। तो दिल्ली के लिए एक बार फिर से प्रदूषण का खतरा है। हालांकि अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन जितनी है वो ये भी बताती है, वही ये बता देती है कि दिल्ली इस वक्त कितनी बुरी तरह से प्रदूषण की चपेट में है। कैमरा पर्सन हरिंदर के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। देश की राजधानी में दिवाली के कूड़े की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में। यहाँ भी पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पटाखे न जलाने की अपील तो की गई, लेकिन आतिशबाजी के शोर में वो अपील कहीं गुम होकर रह गई। देखिए दिवाली की रात ने मुंबई का क्या हाल किया। ये देश की आर्थिक राजधानी की तस्वीरें हैं। मुंबई की सड़कों पर कूड़ा ही कूड़ा। ये दिवाली का कूड़ा है। बड़े पैमाने पर पटाखे और आतिशबाजी ने मुंबई में हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा कर दिया है। कई इलाकों में सड़कों और गलियों में हर तरफ दिवाली का कूड़ा नजर आया। मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में सबसे ज्यादा बदतर हालात बन गए। यहां काफी आतिशबाजी हुई जिसकी वजह से पटाखों से निकले धुएं और बारूद ने यहां की फिजा को जहरीला बना दिया। मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी तड़के ही काम पर आ गए ताकि दिवाली पर फैलाया गया कूड़ा साफ किया जा सके।
माना जा रहा है कि पूरे मुंबई में पटाखों का कई टन कूड़ा निकला है। और चंडीगढ़ की सफाई को कैसे लग गई पटाखे जलाने वालों की नजर। दीपावली पर हम अपने घरों को साफ करते हैं, हर तरफ साफ सफाई का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन दिवाली की रात लोग खुद ही बड़े पैमाने पर कूड़ा फैलाते हैं। चंडीगढ़ जैसे शहर में जहां साफ सफाई काफी बेहतर रहती है, वहां भी दिवाली के कूड़े ने शहर को बेहाल कर दिया। चंडीगढ़ में पटाखों से पहले कूड़े का जायजा लिया हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने। दिवाली का त्यौहार साफ सफाई का त्यौहार है और मान्यता यह है कि दिवाली आने से कई दिन पहले लोग घरों की साफ सफाई करने जुट जाते हैं और दिवाली के दिन लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। लेकिन घरों की तो लोग सफाई करते हैं, बाहर किस कदर हालत हो जाती है उसका भी उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और चंडीगढ़ का ये नजारा है, चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। चंडीगढ़ का ये पॉश सेक्टर है, बड़ी बड़ी कोठियां आलीशान आपको दिखाई दे रही हैं, कोठियों के अंदर चमक धमक साफ सफाई की कोई कसर नहीं है, लेकिन घर के दरवाजों पर क्या हालत है वो आप देख सकते हैं। और वो भी जबकि देश के प्रधानमंत्री मोदी लगातार हर किसी से अपील कर रहे हैं कि साफ सफाई रखिए और स्वच्छता अभियान को बनाए रखिए, लेकिन इसके बावजूद लोग किस तरीके से साफ सफाई करते हैं, किस तरीके से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, इसका जीता जाता उदाहरण आप यहां पर देख सकते हैं। और ये जो गंदगी आपको दिखाई दे रही है ये ज्यादातर पटाखों की गंदगी है, जिसमें पैसा भी खर्च होता है, प्रदूषण भी होता है और साथ ही साथ स्वच्छता की धज्जियां उड़ती हैं। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। मध्य प्रदेश में भी दिवाली पर जलाई गई आतिशबाजी के साइड इफेक्ट देखने को मिले। एमपी की राजधानी भोपाल में सड़कें पटाखों के कूड़े से भर गई, हर तरफ आतिशबाजी से फैली गंदगी नजर आई। भोपाल की सड़कों पर दीपावली के दूसरे दिन किस तरह से पटाखों का कचरा पड़ा हुआ आप देख सकते हैं, जो स्वच्छता भारत अभियान की पोल खोल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से एमपी नगर का इलाका है और यहाँ पर जो पटाखों का कचरा है, ये देखिए यहाँ पे बम है, फुलझड़ी है और जो तमाम डब्बे हैं वो भी यहीं पे पड़े हुए हैं। और रात में जिस तरह से पटाखे फूटे हैं, लेकिन सुबह का जीवन सामान्य हो चुका है, लोग निकल चुके हैं काम पर, लेकिन इस तरह कचरा पड़ा हुआ, आपको लगता है कि साफ सफाई होनी चाहिए बिल्कुल समय पर? देखिए साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि भोपाल के जो महापौर हैं बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, स्थानीय हैं, उनके द्वारा बहुत ही सीरियस तरीके से साफ चल रहा है, लेकिन साफ सफाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, साफ सफाई होनी चाहिए, बोल नहीं, होनी चाहिए, क्या साफ सफाई होनी चाहिए, इस तरह कचरा नहीं पड़ा रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस तरह अगर कचरा करते हैं तो उनको सफाई की भी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से नगर निगम के अलावा जो लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसको भी उन्हें उठाना चाहिए कि कचरा जो है इस तरह से ना किया जाए, क्योंकि भोपाल जो है एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी लगातार यहाँ काम चले, लेकिन कहा जाए कि इस तरह से यदि कचरा रहता है तो स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में किस तरह आगे बढ़ेंगे उस पर भी एक सवाल निशान है। कैमरा मैन निषाद के साथ अमित कुमार, भोपाल आज तक। जहाँ तक याद याद आती रहेगी।